वेलकम टू फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशत का जो कल 77 क्वेश्चन तक करा दिए थे, उससे आगे आज हम लोग कराएंगे। तो आप सब लोग ध्यान से देखें और हमारी पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहे। इसमें आपको जो विशेष क्वेश्चन है कुछ, वो भी आपको मिलेंगे जिसकी 90% संभावना होती है एग्जाम में आने। तो उनके आप लोग जरा ध्यान से, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और अलग अलग तरीके के नए नए क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। इतना 77 यस, शुरू करते हैं। भाई आपके बच्चे सब लोग जो है साइलेंट हो जाए। 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कहता है अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। देखो, जब तक आप कॉन्सेप्ट तैयार नहीं करेंगे तब तक आपको परसेंटेज और लाभ हानि दोनों दिक्कत करते रहेंगे, राइट। मन से हम लोगों को सीखना है। कहता है अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। अब इजी वे में लिखिए, दीपक की ऊंचाई 100, तो अनिल की ऊंचाई कितनी होगी? 160। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो मैंने आपको सिखाया अनिल 160 होगा तो दीपक कितने का होगा? 100 का जी। इतनी बात सीखने तक कोई समस्या फील हुई हो किसी को बताए? नंबर दो बात, कहता है दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो, दो रूल बना सकते हैं, आदमी रूल बनाता है, लेकिन हम यहां रूल के विषय में बात नहीं कर रहे। मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने कम है। रूल बना देंगे, जब भी आपको कम निकालना हो तो वृद्धि बटे 100 माइनस कमी गुणा 100। अगर हमको वृद्धि निकालनी है तो वृद्धि बराबर कमी बटे 100 नबी कमी सॉरी वृद्धि वृद्धि लिखना था नबी कमी गुणा 100। ये तो रूल है। क्या है? रूल है तो सब बेसिक से ही तो रूल बेसिक से ही तो बने हुए हैं। जैसे अगर मैं कहूं भैया मुझे पता करना है ये कितना कम है इस तरह, तो मैं कहूंगा भैया 60 कम है। कितना कम है? 60 कम। किससे कम है? 160। किससे? 160। गुणा कितने से? 100 से। 60 कम है 160 तक, गुणा कितने से? 100 से। 0 से 0। 2 8 16 2 3 6 8 से कितनी बार कटेगा? 12.5। 12.5 3 37। अर्थात कितना कम है? 37। अब इसको हम रूल में तो लिखेंगे। देखो, रूल की बात करते हैं, प्रतिशत कमी का नहीं, वृद्धि कितने की है? 60 की। उन्होंने कहा 100 में वृद्धि जोड़ दो, 100 में वृद्धि जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 160। गुणा कितने दे? 100 जी। अब इधर रूल तो समझ लो, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। फायदा आपके लिए इसमें है कि आप इसको सीखे किससे? कॉन्सेप्ट से, कि 60% ज्यादा है यू। अब वो पूछा यू कितना कम है, तो भैया 60 कम है। कितना कम है? 60 कम है किससे? 160। गुणा कितने थे? बस सिंपल। क्या आप समझ नहीं पाए? रिमूव कर दूं? हाँ जी। ओके, नंबर कितना? 78। जल कर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो तथा पानी की खपत 20% कम हो जाए तो होने वाले खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब एक बात, जल कर में 20% की वृद्धि कर दी, वृद्धि कर तो देखो मैं वैसे तो कहूं एक्स स्क्वायर अपॉन 100, जाओ उतने परसेंट बढ़े उतने परसेंट घटे, तो कौन सा फार्मूला लगा लोगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 100 लगा लोगे। लेकिन हम रूल्स की बात नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट से सीख रहे हैं। पहले खर्च 100 रुपए का हो रहा था, 20% वृद्धि होगी तभी तो भैया 120 का मान लगाओ। क्या ग्राहक कम हो गए 20% तो में ग्राहक की कमी आएगी, ठीक है, कहीं 120 पे तो कमी आएगी।
तो लिखेंगे 20 बटे 120 गुणा 100, 20 चीज का 120 16 बटे 6, तो मैं कह सकता हूँ 16/6% क्या सवाल क्या था? ओके सॉरी, अब वो क्या होगा कि इसमें 20% की कमी आ गई, कितनी कमी आ गई 20% की कमी आ गई, तो इन 120 में तो 20% कम हुए, यानी कि कितना लिख दूं 80/ अर्थात 12/6, यानी कि उसकी इनकम में कितनी कमी आ जाएगी 4% रुपए की कमी आ जाएगी, 4% की कमी। क्लियर व्यूअर? नेक्स्ट वन, सवाल नंबर 79। नुगे चीनी के भाव में 20% वृद्धि होगी, पहले भाव 100 था, 20% वृद्धि होगी, होगी तो कितना हो गया होगा 120। चीनी के भाव में 20% वृद्धि होगी तो वृद्धि कितनी होगी, होगी 120। नुगे ग्रहणी ने खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए, किसके मद पर होने वाले खर्च पर कोई प्रभाव नहीं। सीधा नुगे 100 रुपए बजाना तो 20 घटाओ, किस पर घटाओ 120 गुणा कितने दे 100, यही मेरा क्या है ये मेरा क्या है आंसर, बोलो किसी को दिक्कत लगी क्या? अरे क्लियर है क्या बात? नेक्स्ट सवाल नंबर 84। नुके चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होगी, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि, 100 था कितना हो गया होगा 120, 100 था कितना हो गया होगा 120। नुके खपत में 25% की कमी कर दी गई, खपत में 25% की कमी कर दी गई, खपत में 25% की कमी करने का मतलब क्या हुआ होगा, इन 120 पे 75 वैल्यू रहेगी होगी, 120 पे कितनी वैल्यू रहेगी होगी 75। बोलो किसी को दिक्कत लग रही है बेटे? अरे समझ में आ रही है बात? अब 25 थी 75, 25 का 100, 4 थी 12, 30 थी 90। अब मैं कहूंगा पहले खर्च कितने रुपए होते थे 100, अब कितने होने लगे 90, अर्थात कमी कितने की आएगी, बचत होगी इसकी 10 रुपए की, 100 पे 10 रुपए 10% होगी इसका मतलब। बोलो नेक्स्ट सवाल नंबर आता है 81। चीनी के भाव 16 रुपए किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलो होगी, 16 से कितने हो गए 18, 16 रुपए किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए, बताओ भाई कितने की कमी आई, सॉरी उसके खर्च में वृद्धि ना हो तो खपत में कितनी कमी करे, तो भैया 2 की कमी कर दो, 16 पर करोगे 18 पे, इस पता ही तो हारे जाने, यह तो पक्की होनी चाहता है बात, और यह बात अगर तारे पक्की होगी तो लाभ हानि तारे मुझे बननी होगी, बिल्कुल आराम से सीख जाओगे, अगर इस चीज को आप सीखे तो लाभ हानि का खेल हुई है। क्लियर? नेक्स्ट वन, अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड, चीनी के भाव में 32% वृद्धि होगी, मान लीजिए पुराना भाव, भाव और खर्च दोनों में अंतर जानते हैं, भाव कर खर्च का मतलब जानते हैं आप, भाव का मतलब होता है कि एक यूनिट की फिक्स वैल्यू 1 किलो 100 रुपए की, और मैं 5 किलो चीनी खा रहा हूं तो इसका मतलब 500 रुपए, इसका मतलब कितने रुपए 500 रुपए का खर्च में, इसका मतलब ये तो हुआ पुराना भाव 100 रुपए किलो था, कह रहा कि भाव में 32% की वृद्धि कर दी गई, भाव में कितनी वृद्धि कर दी 32% की वृद्धि कर दी, नया भाव 132, नया भाव कितना हो गया 100, पुराना भाव 100, नया भाव कितना 132। अब आप एक बात बताइए, रियल में खर्चे में भी 32% की वृद्धि होगी, लेकिन ग्रहणी समझदार थी, वो कहने लगी कि मैंने तो खर्चे में केवल 10% की वृद्धि होने दी, यदि भाव बढ़ने से पहले 10 किलो चीनी खाते थे, भाव बढ़ने से पहले कितने किलो चीनी खाते थे, अब शुरुआत करता हूं, मैं कहता हूं पुराना खर्च इज इक्वल टू
100 रुपए की एक किलो आती थी, किलो कितने का है 10, तो इसका मतलब 10% की वृद्धि हुई, ये 100 × 10 अर्थात चीनी कितने रुपए की खाते थे पहले टाइम पुराना टच। अब वो कहते हैं नया टच, अब बच्चों नुके उसने होने वाले खर्च में केवल 10% बढ़ने दिया। पहले 1000 रुपए की चीनी खाते थे, केवल 10% बढ़ने दिया, इसका मतलब कितने हो गए? ये सब की समझ में बात आई कि नहीं? 1100 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? अब वो कहता है बताओ हम कितने किलोग्राम चीनी खाते हैं, मेरे पास टोटल खर्चा है कितना 1100। एक किलो कितने किया हुआ है? यहां पे मैं क्या कर सकूं आंसर 1100/132, यही मेरा क्या है आंसर। कोई 12 कैसा इसकी समझ में बात ना आई हो? ऑल क्लियर? रिमूव कर दूं? नेक्स्ट सवाल नंबर आता है 83 ना। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 5180 रुपए, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 5180 रुपए, यानी कि व्यक्ति को वेतन कितना मिलता था? 5180 रुपए मिलता था। कहता है खाद्य सामग्री एवं अन्य उत्पादों में इसके खर्च का अनुपात 2:5 है। खाद्य सामग्री एवं अन्य मद 2:5 का अनुपात है, यानी कि अगर उसकी इनकम 7 रुपए होती तो 7 रुपए में से 2 रुपए तो खाद्य सामग्री पे खर्च कर देता और 5 रुपए अन्य मदों पर खर्च कर देता, 5 रुपए अन्य मदों पर खर्च कर देता। मैंने कहा टोटल 5 और 2 7x बराबर किसके 5180, एक्स बराबर 7 × 7 = 7, एक्स की वैल्यू आ गई 740, एक्स की वैल्यू आ गई 740। इतनी बात सीखने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लग रही क्या बताएं? हाँ भैया समझ में आ रही बात? एक्स की वैल्यू आ गई भैया 740। अब जब एक्स की वैल्यू 740 आ गई तो मैं कहूंगा खाद्य सामग्री पे कितना खर्च होता है? 2 × 740 = 1480, 5 × 740 अर्थात 37। यहां तो 1480, यहां कितने? 37। अब वो मुझसे पूछे कि बताइए यदि इसके भाव में 10% की वृद्धि हो जा, खाने पर होने वाले खर्च में 10% की वृद्धि हो जा, तो 1480 × 10/100 अर्थात 148 रुपए बढ़ जा। और मुझे अन्य सामग्री में 1500 × 15/100 अर्थात 555 बढ़ जाए यहां, तो टोटल कितना बढ़ गया? 8 × 5 = 13, 5 × 4 = 10, 6 × 1 = 7, 703 रुपए का खर्च क्या हो गया? तो सरकार को उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ानी चाहिए? 703 रुपए बढ़ा। किसी बच्चे की समझ में बात ना आ रही हो पूछ सकते, क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना 84। मुझे आलू के दाम में 60% कमी हो गई, मैं कहूं आलू का दाम 100 रुपए किलो था, 60% कमी होगी तो कितना रह गया होगा? 60% कमी होगी तो कितना रह गया होगा? 40। नुकेश की खपत में कितनी वृद्धि करें कि होने वाले खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? नुकेश खपत इवलो कितने भैया? खपत इवलो कितनी हो गई थी? 100 रुपए इव कितने की होने का? 40। तो भाई 60 की वृद्धि कर दो, किस पे कर दो? 40। घंटे ही तो यहाँ जाना था हमें, यही तो मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो बात सीखनी, और सीखना क्या है? होना 100। अर्थात 150% की वृद्धि करनी पड़ेगी खपत, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 150%। बोलो किसी को दिक्कत लगी क्या? क्लियर? नहीं। सवाल नंबर आता है
85। एक वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% है। अभी ध्यान देना बेटे, दलाली की दर व्यक्ति से तो मिलती थी, अब तक 100 रुपए पे 4 रुपए मिलते हैं, कितने 4 रुपए दर 4 रुपए मिलते थे, ठीक 4 रुपए मिलते थे। मैं कहता हूँ ग्राहक 100 थे तो इसका मतलब कुल आए, देखो मैं वैसे तो समझा देता छोटा सा करके, लेकिन आपको समझाऊंगा चीजें जिससे कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। कुल छटाऊगी आए 400 रुपए होती होगी। मैंने कहा 4 रुपए एक आदमी से मिलते थे, तो आदमी कितने थे 100, अर्थात 400 रुपए मिलते। एग्जाम्पल दे रहा छोटा सा, नुकाय आदमी में तो मिले लेंगे 100, एक आदमी में तो मिले लेंगे 5, लेकिन आय है परिवर्तित रही, इसका मतलब आय 400 की 400 रही होगी। आय कितनी रही होगी, आदमी कितने रह गए होंगे 5, 8, 40। आदमी पहले कितने समान रखे थे 100, इन कितने रह गए 80, अर्थात कितने परसेंट कमी आ गई आदमी में 20%, यानी कि ग्राहकों में कितने परसेंट की कमी आ गई 20%। समझ में बात आएगी नहीं, क्लियर है बात, रिमूव करके बढ़ जाओगे। वहां अगर मैं बताता तो जमाली बताते हैं ऐसे लोग 4-5 चले, एक कम करना इस पे 5 पर गुणा 100, और बाकी बात कुछ नहीं बताते, क्या आना क्या हो गया क्यों हुआ, तो ऐसा नहीं जैसे मैंने बताया से समझना पड़े, आपको थोड़ा माइंड को थोड़ा सा बढ़ाना पड़े। सवाल नंबर 86 आपको खुद करना, सवाल नंबर 87 में बात करता हूं। एक ही आय का 5%, एक ही आय का 5% बराबर है बी की आय के 15% तथा बी की आय का 10% है भाई बराबर है सी की आय के 20%। दो बातें, परसेंट तो परसेंट कैंसिल, 5 के 15 ए के बराबर 3 है, परसेंट का परसेंट कैंसिल, 10 × 20 एक बी बराबर 2, एक बी बराबर 200, एक बी बराबर 200। भैया ध्यान दो यहां, एक बी बराबर कितने सी हो गए 2 सी। उसने कहा यदि सी की आय 2000 रुपए हो, मैंने कहा सी की आय 2000 हो, बच्चों आप मुझे बताओ बी की कितनी होगी, एक बी में कितने सी बन गए 2, तो मैं कहूंगा बी की आय हो जाएगी 4000। एक ए बराबर 3 बी, एक ए बराबर 3 बी, तो ए बराबर कितने हो जाएंगे 12। पूछता है टोटल आय कितनी, 12 4 16 2 18। किसी की समझ में बात आए तो कंसल्ट करेगा, पक्का पक्का जी, यस बिल्कुल। उसने कहा ए की आय का 5% बराबर है बी की आय के 15%, उसने कहा बी की आय का 10% है बराबर सी की आय के 20%, राइट सर। तो मैंने कहा इस परसेंट से परसेंट काट दो, 5 के 15 एक ए बराबर 3 बी, परसेंट से परसेंट काट दो, एक बी बराबर 2 सी, एक बी बराबर 2 सी। अब उसने कहा किताब में लिखा है बेटे, मैं कुछ अपनी जेब से नहीं लगा, किताब में लिखा, उसने कहा कि सी की आय 2000 है, उसने कहा एक बी में 2 सी बने, एक बी बराबर 200, तो मैं कहा बी सी की जगह 2000 कर दो, 2 × 4 = 4, एक ए में 3 बी बने, बी की औकात कितनी आई 4000, और ए की हो जाएगी 4 × 12। किसी को कोई दिक्कत लग रही होता रिमूव कर दो, यस। आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 88 ना, खुद करोगे भाई, सीधा सा सवाल है 89। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा यदि उसकी आय 20% बढ़ गई हो तथा उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली हो, अपनी अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, मैं कहता हूं उसकी आय 100 थी, आय कितनी थी 100,
मैं कहता हूँ क्या है कितनी थी 100 नुगै अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना प्रतिशत खर्च करता है? 75% खर्च 75 कर दिया, बचत कितनी होगी? खर्च 75% कर दिया तो बचत कितने परसेंट रहेगी? 25। इतनी बात सीख ले लो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगी हो बताओ। खर्च 75% कर दे तो बचत 25% रुपए 100, आय 100 रुपए माननी, 75% खर्च कर दे तो 75 रुपए की खर्चा आएगा, 20-25 रुपए की बचत है। नुके आय में 20% वृद्धि होगी, आय में 20% वृद्धि होगी तो न्यू आय होगी होगी 120। कहता खर्चे में 10% की वृद्धि कर दी, 75 × 10/100 अर्थात 7.5 रुपए बढ़ गए भैया। यहाँ इतनी बात सीख रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी? अब तक 75 रुपए खर्च होते थे, 7.5 रुपए बढ़ गए, इसका मतलब खर्चा कितना होने लगा होगा? 85। आय 100 थी, खर्चा होने लगा 85, इसका मतलब बच गया 7.5। अब फिर तीसरा सवाल, दो सवाल पूछ रहे असनम से, तीसरा सवाल भी पूछता है, कहता है बताओ बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अब बचत पहले कितनी थी? 25 की। अब कितनी होगी? कितने की वृद्धि होगी? 12.5 की वृद्धि। अब वृद्धि देखो बेवजह वृद्धि किसको इसको हुई किसको हुई? 25 दिन तो 37 पे गए तो बटे 25, आपको पता होना था 25 तो 2 बार कटे, 2 कितना 50, अर्थात बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी? 50% की वृद्धि। किसी को कोई प्रॉब्लम लगी हो? क्लियर? नहीं। सवाल नंबर 86-87 90 का, एक थैली में 25 पैसे के 600 सिक्के, एक थैली में 25 पैसे के 600 सिक्के, 50 पैसे के 1200 सिक्के, 25 पैसे के 600 सिक्के, 50 पैसे के 1200 सिक्के। कहता है कि भैया यदि 12% 25 पैसे के सिक्के तथा 24% 50 पैसे के सिक्के निकाल लिए जाए, कट मैं सवाल उनका लिख रहा हूं, चल रहा 600 × 12/100 72 सिक्के आगे, 12 कितने आगे? 1200 × 24/100 12 × 48 = 24 और 4 = 48 72 सिक्के तो आए 25 पैसे के, 288 सिक्के आए 50। अब सवाल आता है कुल कितना बनना है? अब इनका धन बढ़ाओ भाई, 72 सिक्के 25-25 पैसे के रुपए कितने बढ़ेंगे? रुपए कितने बढ़ेंगे? 18। कोई डाउट? ये कितने हैं? 288। रुपए कितने बढ़ेंगे? बटे उसने कहा कितने प्रतिशत धन निकाला गया, अब सारा धन फिर पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा? सारा धन पता करना पड़ेगा, बटे 4 अर्थात 150 रुपए तो इनका निकला होगा, बटे 2 600 इनका निकला होगा, बटे 750 × 100। किसी को कोई दिक्कत लगी हो? ऑल क्लियर? चले आगे। यस, नेक्स्ट वन, सवाल नंबर आता है कि क्या, एक सवाल नोट करो उसके बाद पढ़ाऊंगा क्या, आपको करना अपने हिसाब से। देखिए एक 9 मिलीलीटर का सेविंग लोशन है, 9 मिलीलीटर घोल वाला एक सेविंग लोशन है, 9 मिलीलीटर घोल वाला एक सेविंग लोशन है जिसमें जिसमें 50% एल्कोहल है,
जिसमें 4.5 ML एल्कोहल है, 4.5 बताएं उसमें एल्कोहल का कितने प्रतिशत है, उसमें एल्कोहल कितने प्रतिशत है, बताएं उसमें एल्कोहल कितने प्रतिशत है, निकाल के दिखाएंगे कॉपी में सब बच्चों की इक्वेशन देंगे, मुझे पता है आप सब लोग बता देंगे मुझे बात नहीं तो उसको, लेकिन मैं इसकी इक्वेशन देखना चाहता हूँ इक्वेशन कैसे बनाते हैं भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई जस्ट पे डायरेक्ट अगर नहीं जस्ट पुकार ले जाना, समझा इसमें ओके ओके। अरे वेरी गुड, देखो गजब सुंदर। अरे सीधी काली थी भैया, जिसका परसेंटेज निकालना है वो बात ऊपर, जिस पे से निकालना है वो बात नीचे, गुणा सो और उत्तर दे देना है, ये तो बात है ना। और उसमें कम सी थी सिंगार, दो दिन हो गए कॉन्सेंट्रेशन कुछ है ही नहीं, चले शुरू करें आगे बढ़े चले। अब मैं कहता हूँ भैया, मैं कहता हूँ मुझे 50 नहीं चाहिए, यहाँ मुझे तो उत्तर चाहिए 30% एल्कोहल। एल्कोहल कितनी हो जा? 30। अब आप मुझे बताओ एल्कोहल का परसेंटेज कैसे, कैसे दो तरीके से घटेगा बढ़ेगा, दो तरीके से घट सकता है एल्कोहल परसेंटेज कैसे, या तो हम इसमें से एल्कोहल घटा, जब एल्कोहल में तो एल्कोहल सारे घोल में तो एल्कोहल घटाओगे तो सारे घोल में तो जितनी एल्कोहल घटाओगे वो इसमें भी घटाएगी, हम दूसरा तरीका क्या कि हम पानी बढ़ा दे एल्कोहल का परसेंटेज डाउन हो जाए, एल्कोहल का परसेंटेज क्या हो जाएगा डाउन, हमने 4.5 मतलब डिस्टर्ब कर नहीं सकते, यू तो एल्कोहल है, हमने कहा इस घोल में एक्स लीटर पानी क्या कर सकते, आई नहीं समझ बात, बोलो क्या दिक्कत है, सीधी सी कहानी बताई मुझे अब तक क्या था, यहां 50% आंसर आया था, मुझे 50 नहीं चाहिए भाई, मुझे तो एल्कोहल की मात्रा 30% चाहिए, अगर 30% में कैसे ला सकता हूं, मैं एग्जांपल बना के दिखाता हूं, यहां इसमें यू तो था एल्कोहल और यू था पानी, यहां लो आधा पानी का आधा एल्कोहल का, ठीक, और वे इस एल्कोहल की परसेंटेज कुकर कम करें भाई, या तो इसमें तो एल्कोहल घटा दे, या तो इसमें तो एल्कोहल घटा दे, एल्कोहल घटा देगा तो भैया जो है ये थोड़ा नीचे को आ जाएगा परसेंटेज एल्कोहल की, क्या हो जाएगी डाउन, या दूसरा तरीका क्या है, एल्कोहल तो रहने का अनुभव ही पानी की मात्रा दे तो एल्कोहल का परसेंटेज डाउन हो जाएगा, तो इसने कहा कि पानी बढ़ा दो, पानी बढ़ा दो, अब एल्कोहल तो जितना यहां था उतना ही रहेगा, मात्रा किसकी बढ़ेगी, यहां तो नहीं मात्रा बढ़ने की, सारे घोल में तो बढ़ेगी, एक भी समझ में नहीं आएगा बात, अब भाई 0 10 पर गई, 10 की गुणा इसमें करूंगा 45 बराबर इसकी गुणा करूंगा 9 3 27 जमा 3x बराबर 27 पर इसके दर्जा का माइनस पर जाए कितने बचे, x बराबर 6 वाले पानी मिला, नेक्स्ट चीनी 3 लीटर चीनी है घोल में 40% चीनी, चीनी की मात्रा काट दो, 3 लीटर घोल का 40% चीनी थी, चीनी की मात्रा काट दो 1.2 लीटर चीनी, 1.2 लीटर चीनी होगी, कितनी चीनी होगी 1.2 लीटर चीनी होगी,
अब मेरा प्रश्न आपसे है इसी सवाल मैं कहूं एक घोड़ है वही 3 लीटर का उसमें 1.2 लीटर चीनी है चीनी का प्रतिशत बताओ तो तुम क्या करोगे साहब किसका प्रतिशत पूछा मैंने आपसे लिखोगे भाई 1.2 का मान काटना भाई सारा घोड़ कितना है मैं क्या लिखूं और गुणा कितने से डियर चाइल्ड समझ नहीं आई क्या बात आगे पक्का अब एक बात ये यहां आपको उत्तर आ जाएगा भैया 40 वो कहता है कि मैं तो इसमें से क्या कर दिया मैं तो इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया अब चीनी तो नहीं बढ़ी बढ़ेगा कौन 3 की जगह कितना हो जाएगा 3 था 4 हो गया 25 5 में 25 5 8 40 5 दूनी 10 सॉरी यहां से मुझे आंकड़ा रखना 30 यहां कितना लाना 30 ये 40 था नहीं चाहिए आगे पैसों करना कोई दिक्कत नहीं जीरो से जीरो कैंसिल 10 की गुणा इसमें करोगे तो 12 बटे 4 बराबर किसके चार दिए आप उसमें कितनी चीनी होगी 30% होगी पता नहीं क्या काट देते हैं ये तो पूछ रखा 30% नहीं 30% ही पूछ रखा सवाल नंबर 93 चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है काटो चीनी की मात्रा भाई चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है चीनी की मात्रा घटवानी चीनी की मात्रा घटवानी काट दोगे क्या ए 12 लीटर घोल था 4% चीनी थी 12 चौक 0.48 लीटर क्या है चीनी अब मेरा सवाल आपसे बताओ चीनी कितने प्रतिशत तो लिखोगे 0.48 बटे 12 गुणा 100 और आप बता दोगे सर 4 अब उड़ाओगे इवलो उड़ाया नहीं तो उड़ाओगे नुगे 2 लीटर पानी उड़ा दिया सारा घोल कितना रह गया 10 परसेंटेज तो डेफिनेट बदल नहीं जीरो तो जीरो में ही 4.8% क्या होगी चीनी कोई दिक्कत लगी हो बताओ 94 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है सारा घोल 300 ग्राम का है 40% चीनी का डबल चीनी की मात्रा बता दो 120 ग्राम चीनी है अब मेरा सवाल फिर आपसे आया भाई सारा 120 ग्राम का घोल है सारा कितना घोल है 120 ग्राम का घोल है ओ बताओ उसमें चीनी कितने प्रतिशत है 300 ग्राम का घोल है इसमें चीनी 120 ग्राम है चीनी का प्रतिशत बताओ तो लिखोगे 120 बटे 300 गुणा 100 और उत्तर बता दोगे 40 वो रुके उत्तर चाह मुझे 50 उत्तर कितना चाहिए 50 चीनी कितनी बढ़ाऊ चीनी कितनी बढ़ाऊ उत्तर चाह मुझे कितना 50 तो जब चीनी बढ़ाऊ यार धंधे का जानते ना इसमें जब तक पढ़ाई सवाल में यह बात नहीं आ रही है जब चीनी बढ़ाऊंगा तो जो चीनी की मात्रा ऑलरेडी 120 ग्राम थी उसमें भी तो मात्रा बढ़ेगी मैं वो एक दो चम्मच गिर रही थी तब तीसरी और गिर रही तो 3 चम्मच नहीं हो जाएगी चीनी सारी और वह टोटल में बढ़ेगी कोई समस्या लगी हो तो 50 × 100 = 240 जमा x 2x बराबर 300 जमा x एक्स प्लस का धंधा कहीं का जन्म एक्स बराबर किसी बच्चे को समस्या लगी हो कोई सवाल में बता सकते सवाल नंबर आता है 95 एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में 20% के स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया जाता है अब देखो शुद्ध दूध था 1000 ml कितने ml का था 1000 ml का शुद्ध दूध था कहता है कि इसमें 20% दूध निकाल दिया उसके स्थान पर पानी डाल दिया 20% दूध निकाल दिया तो कितना रह गया होगा
तो मैं कह देता 800 ग्राम दूध रह गया होगा, 800 ml दूध रह गया होगा। नुकै या प्रक्रिया 3 बार दोहराएगी, या प्रक्रिया कितनी बार दोहराएगी? 3 बार। अगली बार फिर 80 रह गया होगा, फिर 80 रह गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दूध की मात्रा 512 ग्राम रहेगी, उसने यार मिलीलीटर रहेगी, उसने कहा बताओ कितने प्रतिशत दूध रहेगा? तो मैं कहूंगा 512 दूध है कितने में है, 1000 मतलब गुणा कितने, 100। दो जीरो तो दो जीरो गई, 51.2% दूध की मात्रा कितनी, 51.2% दूध की मात्रा। किसी को दिक्कत लगी हो? ऑल क्लियर? यस। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर आता है छान। नु कहता है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर देने, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि कर देने, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर देने। कोई भिन्नती एक्स बटे वाई, नु के अंश में 15% की वृद्धि कर दी और हर में 8 की कमी कर ली, ऐसा करने से भिन्न 3/15/16 हो जाता, ऐसा करने से भिन्न कितनी हो जाती है, 15/16 हो जाती, ऐसा करने से भिन्न 15/16 हो जाती है। यहां तक कोई समस्या लगी क्या? देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपको पता लग जाएगा, 100 आना ही तुम्हें डायरेक्ट 115 लिखा दोगे, डायरेक्ट कितना लिखा दोगे, 115। 23 × 5 = 23 × 115 × 5 = 15 × 4 × x/y = 3/4। किसी को कोई समस्या लग रही हो बताओ, क्लियर? नेक्स्ट सवाल नंबर 97। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में, शेष का 50% अंग्रेजी, 20% पुस्तकें हिंदी में, बच्ची कितनी, 80, उनका 50% 80 का 50% कितना होगा, बच्चिया कितना,